नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.2 आज हम इसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े, उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें देखने की बात यह है, जैसे सभी घरों में होता है कि दादाजी सबसे बड़े होते हैं, पिताजी उससे छोटे और बच्चा जो होता है सबसे छोटा। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं पिताजी की आयु है x वर्ष। अब यदि पिताजी की आयु x वर्ष है तो ध्यान से देखना, उसके दादाजी बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी की उम्र कितनी हुई? पिता की जितनी उम्र है, दादा बड़े होंगे ना पिता से, तो दादा की उम्र होगी पिता की उम्र से 26 वर्ष ज्यादा। ठीक है बच्चों, दादा की उम्र कितनी होगी? पिता की उम्र से 26 वर्ष ज्यादा। पिता की उम्र कितनी है? x। कई बच्चे इसको लिखते हैं 26x। 26x तो हो गया 26 गुना, हमने लिखना है 26 वर्ष ज्यादा। मान लो पिताजी हैं x साल के, x वर्ष के, तो दादाजी की उम्र इससे 26 ज्यादा होगी, यानी x प्लस 26। और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी जो पिता की उम्र है x, उसमें से 29 घटा देंगे तो वो बच्चे की उम्र आ जाएगी, बाईचुंग की उम्र आ जाएगी। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की। हमने पिता की उम्र को, अब यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की आयु का योग यानी इन तीनों उम्रों का जो योग है, जैसे एक उम्र है पिता की उम्र है x, दादा की उम्र है x प्लस 26, बाईचुंग की उम्र है x माइनस 29। यदि इन तीनों का योग, तीनों का योग मतलब तीनों को हम प्लस कर दें, तीनों को योग करें तो वो उम्र हमें दी हुई है 135 वर्ष। तो अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, x का मतलब होता है 1x, तो x प्लस x 2x प्लस x कितने हो गए? 3x। इसके बाद यह है 26, यह है माइनस 29, तो प्लस माइनस माइनस, 29 में से 26 बेटे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 3। साथ में साइन बड़ी रकम का, 26 के साथ प्लस का निशान है, 29 के साथ माइनस का निशान है, बड़ी रकम है 29, उसके साथ निशान है माइनस, तो बड़ी रकम वाला साइन ही यहां आएगा, वो है माइनस। बराबर यहां है 135 वर्ष। अगले स्टेप में हम x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला छोड़ते जाएंगे। ये 135 यहां पहले से है, ये माइनस 3 हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो इसका निशान उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 3 वर्ष। अगले स्टेप में 135 और 3 हो गया 138, 3 इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, इसके साथ है वर्ष। अब हम देखते हैं कि 135 को जब हम 138 को जब 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। देखो, 3 चौके 12, 13 में से 12 गए 1, 1 8 के साथ जुड़ के बन गया 18, 3 छीके 18। इसका मतलब क्या है, हमारे पास x कितना आ गया 48, x कितना आ गया, ये देखो 46 वर्ष। अब इसी हिसाब से हम तीनों की उम्र निकालेंगे। मैं यहां पहले लिख लेता हूं पिताजी की आयु, दादाजी की आयु और बाईचुंग की आयु। अब बच्चों ध्यान से देखो, पिताजी की आयु कितनी थी? x वर्ष। दादाजी की आयु कितनी थी? x प्लस 26 वर्ष। बाईचुंग की आयु कितनी थी? x माइनस 29 वर्ष। हम इन्हें हल करते हैं। इन्हें हल करने के लिए देखिए, पिता की आयु है x वर्ष, x कितना है बच्चों? 46। तो पिता की आयु आ गई 46 वर्ष। उसके बाद दादा की आयु,
दादा की आयु है x में 26 प्लस कर दो। x है 26, 46, इसमें 26 प्लस कर दो तो 6 और 6 12 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 2 7, 72 वर्ष। ये किसकी उम्र आ गई बच्चों? दादाजी की। इसी प्रकार से बाईचुंग की आयु x माइनस 29 वर्ष किसके बराबर है? x माइनस 29 वर्ष। और x कितना आया था बच्चों? 46, तो 46 माइनस 29, 46 में से 29 निकाल दो, 16 में से 9 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 17 वर्ष। इसका मतलब बाईचुंग की उम्र कितनी आ गई? 17 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, हमें क्वेश्चन के हिसाब से पिताजी, दादा और बाईचुंग तीनों की उम्र निकालनी थी, तो हमने पिताजी की उम्र निकाली है 46 वर्ष, दादाजी की उम्र निकाली है 72 वर्ष और बाईचुंग की उम्र है 17 वर्ष। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है।